नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जैसा पता ही है कि भारत में चीनी ऐप टिकटॉक को भारत सरकार ने बंद कर दिया है। इसके साथ ही 58 और भी ऐप हैं जिसको भारत सरकार ने प्रतिबंध किया है। मैं केवल आपको अभी एक टिकटॉक के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। यह एक चीनी ऐप है एक, और ये काफ़ी टाइम से विवादों में घिरा हुआ था। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसमें लोग छोटे छोटे वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। भारत में बीते कुछ सालों से टिकटॉक का क्रेज काफ़ी बढ़ गया है। इसमें लोग गाने, फिल्मी डायलॉग्स जैसी चीज़ों को वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। टिकटॉक के जरिए लोग पैसे तक कमाने लगे हैं। पहले ये म्यूजिकली के नाम से फेमस थी, लेकिन बाद में इसका नाम टिकटॉक कर दिया गया। यह ऐप 2016 में लॉन्च की गई थी, लेकिन 2018 में ये बहुत फेमस हो गई। अक्टूबर 2018 में टिकटॉक अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन गई थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने गूगल और एप्पल से इसे ऐप को हटाने के लिए कहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने अश्लील कंटेंट तक पहुँच होने की वजह से केंद्र सरकार को इस ऐप पर बैन लगाने का आदेश दिया था। लोगों का कहना था कि टिकटॉक की वजह से समाज में अश्लीलता फैल रही है। युवा पढ़ाई छोड़कर फेमस होने के लिए पूरे दिन टिकटॉक वीडियो बनाते रहते हैं। अब इस ऐप को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारत में बैन कर दिया गया है। अब इसे गूगल स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते। टिकटॉक पर बैन लगाने के ये कारण है। हाल में एक घटना सामने आई थी कि 19 साल के एक लड़के मोहम्मद सलमान की गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल सलमान का दोस्त सुहेल मलिक देसी पिस्तौल के साथ टिकटॉक वीडियो बना रहा था और गलती से सलमान पर गोली चल गई। ऐसे ही 1 फरवरी में 3 दोस्त स्कूटर चलाते समय टिकटॉक वीडियो बना रहे थे और एक बस से टकरा गए, जिससे उनमें से एक की मौत हो गई। पंजाब में भी ट्रैक्टर में वीडियो बनाते हुए लड़का ट्रैक्टर से फिसल गया और उस पर टायर चढ़ गया। तो इस कारण से भी यह काफ़ी विवादों में चल रहा था। एक बड़े कदम में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर चीन से जुड़े 59 मोबाइल अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयोग किया है। एक औपचारिक आदेश फोन कंपनियों को आवेदन पत्र अवरुद्ध करने के लिए कहा गया है, और जिसका दूसरा कारण यह भी है कि चीन के साथ सीमा लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद से हुई चर्चाओं में भारतीय लोगों ने चीन के सामान और उनके ऐप का बहिष्कार करने के लिए काफ़ी जोरों से लोग चर्चा कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, जिसके कारण से यह भी संभव है। भारतीय खुफिया एजेंसी मोबाइल एप्लीकेशन के आधार पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रही थी कि ऐप का डाटा यह भारत के अपने देशों में पार्क करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां इनका उपयोग नागरिकों की गोपनीयता में घुसपैठ करने के लिए किया जा रहा था। चीनी कंपनियों को लंबे समय से अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बैकडोर निर्माण का संदेह है। एक कारण यह है कि दुनिया भर में कई सरकारें चीनी निर्मित 5G नेटवर्किंग उपकरण तैनात करने की संभावना पर एसएच हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने हाल में ही विस्तृत जानकारी दी थी कि कैसे चीन से जुड़ी कंपनियों ने बीजिंग की कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका निभाई है और पार्टी के हितों के लिए लोगों के विचारों पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। ओब्रायन ने एक और पहलू के बारे में भी बताया था, जहां ये कंपनियां चीन को हटाने के पक्ष में जानकारी नहीं निकालती है। टिकटॉक की तरह उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों की आलोचना करने वाले खातों को नियमित रूप से हटा दिया है। तो देखिए किस तरह से ये एक भारतीय समाज को ख़राब करने वाली
ऐप को भारत सरकार ने बैन किया है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कायम रहेगी। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।